सबसे पहले तो यंत्र का निर्माण कैसे होता है। यंत्र बहुत शक्तिशाली जो है वो तरीका है अपनी जीवन को बदलने का, परंतु हर व्यक्ति के लिए हर यंत्र नहीं बना है, हर व्यक्ति के लिए हर चीज नहीं बनी है, पहली बात। अच्छा, कुछ कॉमन यंत्रास हैं, जैसे नवग्रह यंत्रा है या फिर कोई भी ऐसा यंत्रा है, व्यापार वृद्धि यंत्रा है या फिर जीवन में आकर्षण के लिए यंत्रा है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको पहले तो बनाया कैसे जाता है, यंत्र प्रभावशाली कैसे होते हैं। आपने कहीं से भी खरीद लिया और वो आपने लगा दिया, हो गया? नहीं, यंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। आपको उसके निर्माण की विधि बताता हूं। जैसे यानी यदि हमें किसी को देना है, मैं किसी को देता हूं तो कैसे देता हूं वो बताता हूं, अपना सीक्रेट शेयर करता हूं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अष्टगंध बनती है, ठीक है। अष्टगंध में केसर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजों का नाम गुरुचन मैं इस पे नहीं लूंगा, वीडियो पे नहीं लूंगा। तो सबसे पहले तो वो बनती है, उसको पहले एक एक चीज जो हम अष्टगंध हैं, उन आठों गंधों को हम अलग अलग मंत्रों से उसका पूजन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उस जो मंत्र, जो हमारी स्याही है जिससे हमें यंत्र बनाना है, हम उसको घोल के पवित्र पानी में पानी को अभिमंत्रित करते हैं, जल को अभिमंत्रित करते हैं। फिर उसके बाद में जल का पूजन करके उसमें डाल के उसको घोल के फिर कलम। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी पेन से बना लिया, इसके लिए अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग जो है कलम यूज होती है। कलम कहां से आती है, वो भी नेचर से आती है, पेड़ों से आती है। किसी में अनार की होती है, किसी में पलाश की होती है, किसी में नीम की होती है, किसी में जो है अलग अलग बरगद की, पीपल की, अलग अलग कलमें यूज होती हैं। यानी कलम यानी जिसको बनाया जाता है। अब देखिए, यह अष्टगंध है, ठीक है, इसको पवित्रता से प्रयोग किया जाता है, पहले इनका पूजन होता है। ये जो अष्टगंध है, फिर ये कलम है, इस कलम का पूजन होता है, इनके अलग मंत्र होते हैं, अलग तरीके से इनको आह्वान किया जाता है, ठीक है। लेखन महाराज को हम आह्वान करते हैं कि हम आपका आह्वान कर रहे हैं प्रभु, आप कृपा कीजिएगा। यह है भोजपत्र, ये पेड़ों की छाल है, फिर इनका पूजन होता है, ये देवताओं का शरीर माना जाता है, फिर इनका पूजन होता है, इनका आह्वान होता है। पहले अष्टगंध का पूजन होता है, अष्टगंध की सभी गंधों का अलग अलग पूजन होता है, फिर उसके बाद में कलम का पूजन होता है, अष्टगंध का पूजन होता है, फिर भोजपत्र का पूजन होता है, फिर उसके बाद में यंत्र की लेखनी की जाती है। जो देवता, जिस देवता, जिस भी ग्रह, जिस भी एनर्जी को हम वी आर इन्वाइटिंग टू बी प्लीज, टू बी यू नो, कि हमें ब्लेसिंग मिले, तो उस एनर्जी को हम पहले उनका पूजन होता है, फिर उसके बाद में भोजपत्र पर अंकित किया जाता है। अलग अलग तरह के यंत्र होते हैं, बीसा यंत्र होते हैं, तीसा यंत्र होते हैं, छत्तीसा यंत्र होते हैं, तो उन अलग अलग यंत्र जो हैं, उनका जो अलग 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 स्पेसिफिक देवता हैं, उनका आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के बाद में इनपे लेखनी की जाती है, फिर इनका पूजन होता है, फिर उसके बाद में इनको फ्रेम किया जाता है या फिर किन्हीं अलग तरीके से रैप करके, किसी को घर पे लगाना है तो अलग से पवित्र, उसको पवित्र थी, जो हम इवन फ्रेम भी जो यूज करते हैं ना, उसका भी पवित्रीकरण करते हैं पहले। तो ये बहुत पवित्र चीज है, बहुत ही पवित्र चीज है। अब इसको हम हाँ पैसों से नहीं तोल सकते, ठीक है, कि अमेजोन में तो या किसी और वेबसाइट में तो मुझे ऐसे मिल रहा था, या किसी वेंडर से तो मुझे ऐसे मिल रहा था। जब वो प्राण प्रतिष्ठित ही नहीं होगा तो कार्य कैसे करेगा। हम देखा जाए, इसको देवताओं का शरीर बोला जाता है, अष्टगंध को सबसे पवित्र स्याही बोला जाता है,
अलग अलग कर्मे यूज होती हैं, उनके अलग अलग देवता हैं। अब वो सबका कलेक्टिव इफेक्ट ही तो कार्य करता है ना। तो ये है यंत्र निर्माण की विधि। अगर कोई व्यक्ति, यजमान, मित्र, जो भी हम कहें, अगर वो अपने नाम पे कुछ करना चाहते हैं तो फिर हम उनका नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं, उसके बाद में वो गोत्र नाम उच्चारण करते हैं। जब हम अष्टगंध की स्याही का करते हैं, इनका करते हैं, फिर उसके बाद में देवता का आह्वान करते हैं, सभी तरह के संकल्प लिए जाते हैं कि ये चीज उनके लिए दी जा रही है, आप कृपा करें। फिर उसके बाद में अंत में फिर दोबारा से जब ये फ्रेम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उनके नाम की जो है वो जो संकल्प जिनका लिया है उनके नाम का फिर से संकल्प लेके पूजन होता है, फिर इसको डिस्पैच किया जाता है। यंत्र आराम से बन सकते हैं, आप भी घर पे बना सकते हैं, पर उसका प्रभाव तभी आएगा जब आपको पता होगा कि कौन से देवता का आह्वान करना है, कौन सा यंत्र कैसे काम करना है। तो मित्रों, यदि आप यंत्र को प्राप्त भी करना चाहते हैं, पहली बात, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके लिए समय लगता है। दूसरी बात, आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तीसरी बात, ये मेटल पे छपा हुआ यंत्र नहीं है, ठीक है, तो ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। प्राइसेस, अलग अलग यंत्रों के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव होता है, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा यंत्र दिया जा रहा है। क्योंकि किसी में अष्टगंध प्रयोग होती है, किसी में पंचगंध प्रयोग होती है, किसी में और तरह की कुछ मटेरियल्स प्रयोग होते हैं, वो हर यंत्र का अपना अपना प्रभाव होता है। तो ये थी यंत्र के बारे में जानकारी।